अन्योंग यूरोवन भंगा होयो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि के ड्रामा यानी कोरियन ड्रामाज की पहचान साउथ कोरिया से होती है। और जब बात साउथ कोरिया की हो तो हम सभी उसकी कैपिटल सियोल को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है, जिसे एशिया की मोस्ट लिवेबल सिटी माना जाता है। साथ ही ये एशिया की लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोग्रेसिव सिटीज में से एक है। साउथ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन की हाफ पॉपुलेशन सियोल में ही रहती है। इसकी एक वजह ये भी है कि सियोल मोस्ट डेवलप्ड एंड हाईटेक सिटी है। इसके साथ ही इस सिटी की 2000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री भी है। के पॉप एंड के ड्रामा। सियोल की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन के पॉप और के ड्रामास का पूरी दुनिया में पॉपुलर होना है। और ये बात हम सभी के फैन से बेहतर कौन जान सकता है। BTS और Blackpink से भी पहले PSY के सॉन्ग गंगनम स्टाइल ने 3 बिलियन से ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंका दिया था। ऑब्सेसिव ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेम PUBG और स्टारक्राफ्ट पूरी दुनिया में फेमस हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री साउथ कोरिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साउथ कोरिया के बच्चे ऑनलाइन गेम के इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं कि वे स्कूल स्किप करके भी ऑनलाइन गेम खेलने कैफेज जाते हैं। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने 16 ईयर से कम एज के स्टूडेंट्स के लिए गेमिंग कैफे जाने के लिए रोक लगा दी है। वैसे दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन गेम के शौकीन हैं तो सियोल के गेमिंग कैफे आपको हंगरी फील करने पर टी, कॉफ़ी और रेमन भी प्रोवाइड करा देंगे। वर्कोहॉलिक्स। साउथ कोरियन पीपल काफी वर्कोहोलिक होते हैं। अगर सियोल की बात करें तो वहाँ के लोग एवरेज 55 आवर्स पर वीक काम करते हैं। और वहाँ के बच्चे 12 इयर्स की एज तक ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि उन्हें अपना करियर किस फील्ड में बनाना है। 4 टाइप्स ऑफ टैक्सी। यूँ तो पूरे साउथ कोरिया में ही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस काफी शानदार है। स्पेशली अगर हम सियोल की बात करें तो यह स्टैंडर्ड टैक्सी जो कि ऑरेंज कलर की होती है और सबसे ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक टैक्सी जो व्हाइट या ग्रे कलर की होती है। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होने की वजह से इसका प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से थोड़ा कम होता है। इसके साथ ही सियोल में जंबो टैक्सी जो कि 10 पैसेंजर्स और बिग ग्रुप के लिए यूज होती है, और इंटरनेशनल टैक्सी जो कि लिटिल बिट स्पेशल होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टैक्सी के ड्राइवर को कम से कम 4 लैंग्वेज आना एक कंपलसरी होता है, जिससे सियोल आने वाले टूरिस्ट को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। सियोल वेदर। साउथ कोरिया का वेदर इंडियन वेदर से थोड़ा अलग होता है, जो कि समर में हाईएस्ट 35 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन यहाँ के सबसे अच्छे सीजन स्प्रिंग और ऑटम होते हैं, जब ना तो बहुत ज्यादा सर्दी और ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नौरे बंग। दोस्तों, आपने कई बार के ड्रामास में नौरे बंग या म्यूजिक रूम देखा होगा, जो कि 2 वर्ड्स नौरे यानी सॉन्ग और बंग यानी रूम से मिलकर बना है, जहां फ्रेंड्स पार्टी करने जाते हैं और अपनी पसंद के सॉन्ग सिंग करते हैं। एक्चुअली ये एक साउंड प्रूफ म्यूजिक रूम होता है, जहां एक बड़ी स्क्रीन पर आपके फेवरेट सॉन्ग के लिरिक्स दिखाई देते हैं, जिन्हें आप रीड करके म्यूजिक के साथ गा सकते हैं। ये कल्चर कोरिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि अकेले सियोल में ही 5000 से ज्यादा नौरे बंग है, जो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएंगे, जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। BTS हाउस। K-pop ग्रुप BTS तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अगर आप भी BTS के फैन हैं, तो आप सियोल जाकर BTS हाउस देख सकते हैं, जहां आपको BTS मेंबर से रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप सियोल में K-pop ग्रुप्स के लाइव कॉन्सर्ट भी देख सकते हैं। गंगनम ब्यूटी।
साउथ कोरिया अपने बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो कि कोरियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर सियोल की बात करें तो सियोल को डिवाइड करने वाली हैन रिवर के साउथ एरिया को गंगनम कहा जाता है, जहां आपको ढेर सारे प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स देखने को मिल जाएंगे। इंटरनेट फैसिलिटीज। साउथ कोरिया पूरी दुनिया में सबसे पहले 5G इंटरनेट फैसिलिटीज देने वाली कंट्री थी। अगर आप मेट्रो, बस या ट्रेन में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां आपको इंटरनेट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स इन सियोल। सियोल जितनी हाईटेक सिटी है, उतनी ही पुरानी उसकी हिस्ट्री है। यहाँ आपको 600 ईयर्स ओल्ड रॉयल पैलेस और हैनोक विलेज विद ट्रेडिशनल कोरियन हाउस के साथ देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप वहाँ वर्ल्ड्स मोस्ट फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर लाइक लोटे वर्ल्ड टावर और दोंगदेमुन डिजाइनर प्लाजा देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही आप अपने स्पेशल सिटी सियोल के एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टिल देन, दमे तो बायो।